हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज रहे हैं 8। हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं आपका घर का हालत दिखा रही हूँ। वो मैंने ये घी निकाल रही हूँ, उधर पे रखा है। ये सब्जी कल मिली थी, इधर रखी हुई है, मुझे इसको रखना है। और ये देखिए, और किचन की हालत देखिए। ये देखिए, अभी ब्रेकफास्ट बना के दिया, ऑमलेट और ब्रेड खा के गए हैं हस्बैंड। ये देखिए, आज मेरे बेटे का छुट्टी स्कूल का। हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले गए। आज मेरे बेटे की छुट्टी है, उसके लिए मैं नाश्ता बना रही थी, ऑमलेट बना रही थी। उसने बोला मेरे को ब्रेड ऑमलेट खाना है, इसलिए मैं उसके लिए बना रही थी। फिर मैं बोली इसको नाश्ता देती हूँ, फिर इसके बाद अपने काम में लगती हूँ। बच्चे को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया है, ऑमलेट और ब्रेड दे दिया है, अभी वो खाएगा, अब मैं काम में लगती हूँ। और ये देखिए, घी निकाल रही थी, अभी इसको निकालने में थोड़ा टाइम है, इसको धूप में रख देती हूँ, तब से मैं अपना काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा टाइम हो रहा है, फिर मुझे 10:30 बजे अपने बच्चों को ट्यूशन पहुँचाने जाना है। ये देखिए फ्रेंड, मैं ये धूप आती तो दिखता नहीं है, ये घी पकाने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मैं सोची रख दूँगी तो फिर बाद में हमको ही करना है, इसलिए लगे हाथ काम कर लेती हूँ। फिर एक साथ पूरे बर्तन धोऊंगी। ये देखिए, पूरे किचन में ऐसे पड़ा है, गर्म पानी में इसको रख दिया है, क्योंकि इसमें घी निकाला तो फिर गर्म पानी से ही साफ होगा। ये देखिए हालत देखिए, अभी काम कर लेती हूँ, घी पका देती हूँ और फिर पूरे घर में काम करना स्टार्ट करती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेट क्या, बच्चे का स्कूल का छुट्टी होती है तो हस्बैंड को भी टाइम से उसी टाइम से उठती हूँ, बट काम तो थोड़ा लेट ही हो जाता है, फिर काम करती हूँ। ये इधर कपड़े रखे हुए थे, इनको मैं इनकी जगह रख देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ। जो जहाँ उतारते उधर तो रखते नहीं, बस यही काम है कि हम उठाएं और रखें, बस इनके पास तो टाइम नहीं होता है। हस्बैंड भी मेरे ऐसे, मेरा बेटा भी ऐसे, जो जहाँ छोड़ सामान उठाएगा उधर पे कभी नहीं रखता है। इसलिए मैं पूरे घर को कालीन भी उठा के धूप में डाल देती हूँ। और आ गई थी मैं इस रूम में, बेडरूम में, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा, सर्दी हो रही है तो कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, सॉक्स मिलते नहीं, टोपी नहीं मिलती, इसलिए मैं सॉक्स को अलग से एक पॉलीथीन में भर के रखती हूँ। और मेरे बच्चे के कपड़े ये इधर से उधर पहनने ते टाइम ढूंढता ही रहेगा, मम्मा मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा है, मम्मा मेरा ये नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बोली पॉलीथीन में सब मैं अलग अलग भर के सेट से रख देती हूँ, क्योंकि फिर बोल दो तो फिर परेशान कर देता है, मम्मा मिल नहीं रहा, इसलिए मैं एक साथ रख देती हूँ ताकि वो ढूंढ के पहन सके। ये देखे पूरे कपड़े उसके मैं अलग ही रखती हूँ, ये दो लॉन्ड्री बैग है, ये मेरे इसमें मेरे बेटे के डेली यूज के कपड़े ही रखती हूँ मैं। ये देखिए पूरे कपड़े उसके, फुल के कपड़े, फुल वाले जो कपड़े उनको अलग से रखती हूँ। ये देखिए पूरे कपड़े फोल्ड कर दी हूँ, अभी मैं इनको इधर पे झाड़ू लगा देती हूँ, फिर यही काम ही होता है बस। ये देखिए इतने कपड़ा फैल जाता है। ये देखिए पूरे कपड़े को फोल्ड कर दिया मैंने, अच्छे से रख दिया है। और पॉलीथीन में मैं सॉक्स अलग से रखती हूँ ताकि ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, बच्चा हमारा निकाल के वो पहन सके। और इस रूम का सब समेट दिया है, बस मेरे को इस रूम का झाड़ू लगाना है। और इधर का भी इस रूम का, ये देखिए ये कपड़े रखे, इनको समेटना है, कालीन धूप में डाल दी, एक कल सब्जी मिली थी उसको रख देती हूँ। सब्जी में क्या मिला था, ये देखिए पाइन एप्पल मिला है, और ये इसको क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये देखिए अभी मैं इनको रख देती हूँ। घी बन गया था, मैंने पका दिया था, अभी मैं इसको डब्बे में डाल देती हूँ। घर का बना ही घी मैं यूज करती हूँ, मुझे बाहर का घी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा भी निकलता है हफ्ते में एक बार, 8 दिन की मलाई से मैं थोड़ा सा घी निकाल लेती हूँ। ये देखिए पूरे घर में झाड़ू लगा ली हूँ, 2 बकेट कपड़े डुबो के रखी हूँ, और ये देखिए अभी मैं कचरा फेंक के आ जाती हूँ। और बच गए हैं 9, ये देखिए यार 9 से ज़्यादा हो गए यार। और किचन में देखिए पूरे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। किचन में आ गई थी, किचन के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, कुछ बनता नहीं, फिर भी बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बर्तन धो लेती हूँ पहले। मैंने बर्तन धो लिया है, अभी किचन साफ़ करना है, पूरा किचन का ही स्लेब साफ़ करना है। बट देखो स्कूल का टाइम हो रहा है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसलिए उसको नहला देती हूँ। मैं अभी कपड़े धोना है, बट अभी मेरी फ्रेंड बुला रही है नीचे, उनको बाल में मेहंदी लगाना है, मैं उनके बाल में मेहंदी लगा देती हूँ, फिर इसके बाद मैं कपड़े धो के नहाऊँगी। मैं अपनी फ्रेंड को मेहंदी लगा के आ गई थी, और जल्दी जल्दी पोछा लगाया और कपड़े धो के रख दिए, बट लाइट चली गई है अभी। ये देखिए बच गए 11, मशीन में कपड़े सुखाना है, बट अभी लाइट नहीं आ रही है, लाइट भी चली गई है, पता नहीं कब तक लाइट आती है। और मैंने नहा लिया है, अभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। जिस दिन बच्चे को स्कूल को छुट्टी होती है उस दिन तो लेट ही होता रहता है, टाइम से हस्बैंड तो चले गए ऑफिस से, उनको टाइम से नाश्ता बना दिया, बट
उस दिन घर में ज़्यादा काम निकलता है, और किस किस के साथ ऐसा होता है, ऐसा लगता है ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किचन में आ गई थी, किचन के बर्तन को जमा देती हूँ, मतलब जाली में रख देती हूँ, जमाने में तो जमाना ही बोलती हूँ, बर्तन धुलती हूँ तो इसका पानी निकल जाता है, फिर इनको बर्तन जाली में रख देती हूँ, क्योंकि गीले गीले बर्तन रख देते हैं उसे पानी टपकता रहता है और उसमें से दाग बन जाते हैं, इसलिए मैं बर्तन धुल के अलग से रखती हूँ। फिर अभी पानी निकल गया, अभी इनको मैं अच्छे से बर्तन को रख देती हूँ। बर्तन जाली के बर्तन मैंने जमा दिए, और आज है सैटरडे, सैटरडे को मैं खिचड़ी, हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, और किस किस को खिचड़ी पसंद है मुझे बताइएगा, और कौन कौन सैटरडे को खिचड़ी ही बनाता है ये भी मुझे बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो हम सैटरडे को खिचड़ी ही बनाते हैं, मैं यहाँ खिचड़ी ही बनाती हूँ, घर घर में तो कभी दाल चावल बनता है या कि खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि खिचड़ी मेरे घर में बहुत कम लोगों को पसंद है, मेरे और मेरे हस्बैंड, मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, सभी को खिचड़ी पसंद है, हम खा लेते हैं, वो भी मूँग दाल की होगी या कि फिर मिक्स, जैसे पूरा आलू मटर गाजर डाल के ऐसे खिचड़ी बनाते हैं, बट मैं आज मूँग दाल का खिचड़ी बनाऊँगी। और कौन कौन सैटरडे को खिचड़ी खाता है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लाइट चली गई है, अभी मुझे कपड़े निकालना है, क्योंकि आज मुझे वेलफेयर में जाना है, 3:30 बजे मुझे जाना है। अभी मैं काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, मेरे बेटे ट्यूशन गया है, ट्यूशन से आएगा 12:30 बजे, तो वो खाना मांगेगा, इसलिए देखिए मैंने हेयर भी नहीं सुखाए हैं, और मैं आ गई किचन में, क्योंकि काम करना ज़रूरी है, लेट हो गया है। लाइट आ गई है, मैंने मशीन में कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया है, कपड़े सूख रहे हैं, और मैं खाना भी बना रही हूँ, खिचड़ी चढ़ा दी है, मैं खिचड़ी पक रही है क्योंकि टाइम हो रहा है, और मशीन में कपड़े सूख जाए फिर मैं इनको धूप में डाल देती हूँ, धूप तो चली गई है, पीछे बालकनी में आती नहीं है, आज के कपड़े कल तक सूखेंगे, कोई नहीं, अभी क्या करेंगे। ये देखिए वेलफेयर में जाने के लिए साड़ी निकाली हूँ, ये साड़ी पहनूंगी, इसके साथ ये ब्लाउज पहन के जाऊँगी। ये देखिए हस्बैंड आ गए थे, बज गए थे 1:30, और मैं खाना उना देके बर्तन वर्तन साफ़ कर दी थी, और फिर मैं तैयार हो गई थी। ये देखिए मैंने साड़ी पहनी थी, और कैसी लग रही मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि तैयार हो गई थी, टाइम हो रहा था, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है, 5 मिनट के लिए रुकती है इसलिए, और मैं, मेरा बेटा वीडियो बना रहा था, ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर उतने में मेरा वो गाड़ी का आवाज़ आ गई थी, इसलिए फिर हम निकल गए थे। ये देखिए गाड़ी आ गई थी, और सभी 3:30 बजे गाड़ी का टाइम था। ये देखिए हम पहुंच गए थे यूनिट, और फिर ये देखिए फिर हमको नाश्ता मिला, हमने नाश्ता किया, और लेक्चर था वहाँ पे, गायनोक डॉक्टर का लेक्चर था, इसलिए हमको उधर बुलाया गया था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए और हम 7 बजे वापस रिटर्न घर आए थे, अंधेरा हो गया था, ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है इधर पर, अपने फ्रेंड से मैं बातें कर रही थी, ये देखिए, और वीडियो में कोई गलती हो या कि वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय बाय।